हेलो फ्रेंड्स, आपके मेरे इस चैनल पे फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आरआरबी एनटीपीसी का कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ फॉर्म है जो कैंसिल हो चुका है, तो आपको मैं बता दूंगा कि इसमें जो चेंज हुए हैं और जो करना है, या जिनके कैंसिल हो चुके हैं उनको, जो उन्होंने अपना फॉर्म को फिलअप करते वक्त जो फ़ोन नंबर या मेल डाला था उस पर उनको ऑलरेडी मैसेज आ चुका होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप एक बार चेक कर लीजिए, और चेक करने का मैं तरीका बता दूंगा और मैसेज भी दिखा दूंगा कि किस प्रकार का मैसेज आया है। आपका मेल पे भी आएगा और फ़ोन नंबर पे भी आएगा, तो ये इम्पोर्टेंट है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो लोग भरे हैं या नहीं भी भरे हैं वो इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि हर लोगों के पास इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाए फ्रेंड्स, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ें बदलाव हुई है उसको आपको अपडेट करने हैं, नहीं तो फिर आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। अब जिस जोन में भरे हैं उस जोन के अनुसार आपके पास मैसेज आ चुका होगा या कुछ समय में आ जाएगा। अगर नहीं भी आया है तो आप एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिए, ताकि आपको फिर दिक्कत ना हो। तो मैं दिखा देता हूँ, पहले आपको मैं मैसेज दिखा देता हूँ कि मैसेज किस प्रकार का आया है। आप मैसेज देख सकते हैं कि लिखा हुआ है ऑल डी एल डब्ल्यू वैकेंसीज आर कैंसल्ड फॉर आरआरबी सीएन वन, मतलब 1 जनवरी 2019 एनटीपीसी, जो इनकी एडवर्टीजमेंट नंबर थी। फिर कह रहे लॉग इन एंड मॉडिफाई योर पोस्ट प्रिफ्रेंस, ठीक है, जहां आप जिस जोन में डालेंगे उस जोन के अनुसार आपके पास लिंक आ जाएगा। आप उस लिंक को क्लिक करके या अपने मेल चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप अपना जो है पोस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं लॉग इन कर कर। लॉग इन आपको कहाँ से करना है मैं ये भी बता देता हूँ, या मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से भी उसको लॉग इन करके आप अपना प्रेफरेंस जो है चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। नहीं करिएगा तो आपका ये जो फॉर्म होगा वो कैंसिल हो सकता है, फिर आपके जो एग्ज़ाम है इससे पहले एडमिट कार्ड या जो भी है वो नहीं आ पाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो मैं फिर भी कह रहा हूँ फ्रेंड कि इस वीडियो को हो सके जितना लोगों के पास शेयर कर दीजिए। मैं आपको इस वीडियो में बता दूँ कि आपको लॉगिन कहाँ से करना है। इसके बाद आपको प्रिंट अप्लीकेशन दोबारा कर लेना है, मॉडिफाई करने के बाद लॉग आउट होगा। इसके बाद आपको फिर से लॉगिन का ऑप्शन आएगा, और आप वहाँ से अपना जो मॉडिफाई करने के बाद जो है पूरी फॉर्म को प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो आइए मैं दिखा देता हूँ आपको लॉगिन कहाँ से करने हैं। आपको आरआरबी के लिंक पे जाने हैं। आरआरबी के लिंक पे जैसे ही जाइएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंट एप्लीकेशन। तो ये अभी आपको नहीं करना है, क्योंकि अब प्रिंट एप्लीकेशन करेगा तो पीछे वाला ही जो आपने ऑलरेडी पहले पहला जो भरा था वही हो जाएगा। आपको यहाँ पे चेंज ऑफ पोस्ट प्रिफरेंस फॉर डी एल डब्ल्यू पोस्ट और ऑप्टेड कैंडिडेट इन आरआरबी, आप जिस जोन में भरे हैं उस जोन के अनुसार, वैसे इलाहाबाद है तो इलाहाबाद, वहाँ पे आप यहाँ पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी वही डालना है जो शुरुआत में आपके फ़ोन नंबर पे या मेल पे आया था कर, और डेट ऑफ बर्थ डालकर आपको लॉगिन कर देना है। इसके बाद लॉगिन करने के बाद आपको प्रेफरेंस फिर से चेंज करना है। प्रेफरेंस चेंज करके आप फिर से अप्लाई कर दीजिएगा, आपका सक्सेसफुल दिखा देगा, और इसके बाद लॉग आउट करके आप यहाँ से दोबारा प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है, नहीं करिएगा तो फिर आपका फॉर्म का जो है रिजेक्ट हो सकता है पूरी, और आपका ऐसी वेस्ट सारा हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्त, मिलते हैं फिर। और हाँ फ्रेंड्स, मैं फिर से बता दूं कि आपको अगर इसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों का लिंक्स मिल जाएगा, आप वहाँ से भी आप क्लिक करके आप अपना मॉडिफाई कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नई नोटिफिकेशन के साथ, नई जॉब नोटिफिकेशन और नई वीडियो के साथ।